करने आए हमारे प्रिय दोस्त भाई सज्जाद जी, इस विद्यालय परिवार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदीप जी को, उनकी पूरी टीम को, जो हमेशा कार्यक्रमों में बड़ी एक्टिविटी के साथ मैं जब से प्रमुख हुआ हूं तब से हर कार्यक्रम में मेरा आना रहा है। आप बच्चों को कितनी मेहनत के साथ तैयार करते हैं, सामने बैठे हुए बच्चे जिनके कंधे पर ये जिम्मा है कि भरेरा के इस आदर्श गांव को कैसे आदर्श बनाए रहे। योगीराज कृष्ण को राधा के लिए प्रेम का प्रतीक माना गया है। हम सबके प्रति स्नेह होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रेम से दुनिया को झुकाया जा सकता है। आप सब वो बच्चे हो, मां बाप को तैयार करने के बाद इस विद्यालय में सहजता और विश्वास के साथ भेजते हैं कि हमारा नाम रोशन करेंगे। आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर त्याग तो होना चाहिए, आपके अंदर वह नहीं होना चाहिए। विष्णु शर्मा की वो पंचतंत्र की एक कहानी मुझे याद आती है। मैं समझता हूं कि जहां तक मेरी आवाज जाती हो उस कहानी का एक एक शब्द आपको स्मरण रहना चाहिए। किसी राज्य के अंदर चंद्र नामक एक राजा राज्य करते थे। एक बेटा उनका जो मंदिरों से बहुत अभी जो एक नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। कितना वेदना से भरा ये नाटक आप लोगों ने तैयार करने का काम किया। हमको सीख लेनी चाहिए, कोशिश हमारी रहती है कि दो बेटे हों एक बेटी हो, और या तो फिर बेटी ना हो। और बेटी ना हो का कारण कहीं ना कहीं पर सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे देश के अंदर जो कुरीतियां हैं, हमारे समाज के अंदर जो दहेज नाम की कुरीति है, इसको अगर खत्म कर दिया जाए तो शायद ही कोई बेटी कोख में ना मारी जाए, ऐसा मैं कहता हूँ।